आप में से काफ़ी लोग सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, और आपके फ़ोन में भी इस टाइप के बटन होंगे, रीसेंट क्लियर करने का होम बटन और एक बैक बटन, और शायद ये वाले काम करने बंद कर रहे हो क्योंकि आपका फ़ोन गिर गया है या आपके फ़ोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये दोनों बटन्स काम नहीं कर रहे। जैसे अगर मेरे केस में मैं बोलूँ तो मेरे ये वाले बटन्स काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो इसको ठीक करने का बहुत ही सिंपल तरीका जो आपके फ़ोन में ही है, आपको बस सिंपल अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप लोगों को एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इंट्रैक्शन एंड डेक्सटेरिटी। यहाँ पे असिस्टेंट मेन्यू है, तो इस टाइप का एक आइकन हमारे यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको ऑफ कर रखा, आपका इस तरीके से होगा। जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये बना आ जाएगा, और ये फ़ोन का इनबिल्ट फीचर है। इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ये सारे ऑप्शन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को सिर्फ इन दो बटन्स का ही आपको यूज़ करना है, आप बैक वगैरह और आपके फ़ोन में जो भी आपने ऐप्स खोली हुई है उसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से बैटरी बहुत वेस्ट हो रही है, तो आप लोगों को सिंपल इन दो को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और बाकी सबको आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप होम स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि आप रीसेंट ऐप्स जो भी आपकी ओपन है उसको आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। होम बटन पे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जाने के लिए। साथ में ही बैक बटन भी है यहाँ पे। सपोज आपने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन खोली हुई है और आप लोग उसको बैक करना है तो वो आप लोग इससे इजीली कर पाएंगे। रीसेंट से जो भी एप्लीकेशन है वो सब आप इस पर इजीली यहीं से क्लियर कर पाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन इनबिल्ट है, इसके थ्रू आप लोग इस दोनों फंक्शनैलिटीज़ को ठीक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिलेगी यूट्यूब पे जो इन दोनों बटन्स को ठीक करने का सॉल्यूशन देंगे, बट उसके लिए आपको अपने फ़ोन को खोलना पड़ेगा, और उसके बाद या तो आप खुद से वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपने कभी अपना फ़ोन ओपन किया नहीं, या आपको शॉप से करवाना पड़ेगा और वो 400 से 500 रुपये लेंगे, और वो शायद हो सकता है आप उसका खर्चा नहीं करना चाहते। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये वाला ऑप्शन ना हो यहाँ पे असिस्टेंट मेन्यू का, हो सकता है सिर्फ ये दोनों ही ऑप्शन आपके में दिख रहे हो। तो उसका भी एक दूसरा सॉल्यूशन है, आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर आप लोगों को नेविगेशन बार सर्च करना है। जब आप नेविगेशन बार सर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलेगी, बट ये वाली जो है नेविगेशन बार, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को सिंपल इस पर क्लिक करना है। 4 MB की ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए तो इस टाइप की एप्लीकेशन खुल जाएगी नेविगेशन बार एनीवेयर। आपको सेटिंग्स पर जाके जो भी परमिशन है उसको यहाँ पर अलाउ कर देना है, ज़्यादा परमिशन तो नहीं मांगेगा। उसके बाद इस टाइप का आइकन आ जाएगा जिसको आप ड्रैग करके कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। आपका जैसे बैक बटन यहाँ पर है और यहाँ पर रीसेंट बटन है, तो आप लोग सबसे पहले तो इसकी हाइट वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी विड्थ को आपको पूरा कर देना है जिससे आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपको बैक बटन पे स्विच करना है तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं जिससे बैक यहाँ पे हो जाएगा और रीसेंट वगैरह से आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको जाके और सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, थीम वगैरह आपको सेट करना है वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको इसको लॉक ज़रूर करना है अदरवाइज ये गायब हो जाएगा। तो आप लोग इसको कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन आपकी अगर खुली हुई है तो उसको ये बहुत ही ईजिली क्लिक कर देगा बैक करना हो आपको, जैसे यहाँ से बैक हो गया होम बटन पे जाना हो, तो ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो अगर आपकी ये वाले बटन काम करना बंद कर गया तो आप ये वाली एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहा तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।